नंबर सेवन में आपको पूछा गया है OCSE, ये कंपाउंड एनिसोल है, ठीक है, एनिसोल। और एनिसोल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, LCl3 की प्रेजेंस में। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो सबसे पहला मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है दैट इज द ESR मैकेनिज्म, ठीक है, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। और इसमें क्या होगा, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप बेंजीन से कनेक्ट होता है, और जब अल्काइल ग्रुप इससे कनेक्ट होगा तो हमें ये डिसाइड करना है कि या तो ऑर्थो पे होगा या पेगा पे होगा, क्योंकि OCSE वाला जो ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस एम। प्लस एम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऐसा हमें स्टूडेंट को बताना है। ये पूरा मैकेनिज्म कहके कि दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करेगा। रिंग को एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि या तो ऑर्थो पे इसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा या फिर पेगा पे। तो हम लोग इसमें क्या जोड़ते हैं, पेगा पे जोड़ेंगे, क्योंकि OCSE में यदि हम लोग देखें OCSE में तो इसमें ऑर्थो वाला जो केस है वो आपको कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना है, ठीक है। ऑप्शन में आप लोगों को सारे जो वेरिएशन है वो किस पे दिए हुए हैं, और पेगा पोजिशन पे दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे किस पे जोड़ेंगे, पेगा पोजिशन पे। वैसे ऑर्थो भी इसमें जुड़ेगा और पेगा पे भी जुड़ेगा, दोनों पे जुड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको पेगा पोजिशन से इसमें वेरिएशन दिए हुए हैं। इसका डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि OCSE आपको कहीं भी मेंशन नहीं है, मतलब BR आपको कहीं भी मेंशन नहीं है OCSE के अगेंस्ट में, BR और CL, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में जो टर्शियरी ब्यूटाइल वाला कार्बोकैटायन है वो तो यहाँ पे जोड़ा ही नहीं गया, तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। अब इसमें आप यहाँ अगली रिएक्शन करवाई जाती है Cl2FeCl3 के साथ, तो Cl वाला जो ग्रुप है वो कौन सी पोजिशन पे जुड़ेगा, ऑर्थो पोजिशन पे, क्योंकि ये पेगा पोजिशन जो है ये तो पहले से ऑक्यूपाइड है, पेगा पोजिशन ऑक्यूपाइड हो गई, अब बचिस के पास कौन सी, ऑर्थो पोजिशन, तो हम किस पे इसमें लगाएंगे, ऑर्थो पोजिशन पे Cl2 लगा देते हैं, या तो आप इधर की साइड ऑर्थो पोजिशन है इस पे Cl लगा दो, या आप इस पोजिशन पे Cl लगा दो। तो इसमें दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा बी, वो कौन सा बनता है, OCSE Me3C, और इसमें क्या बन जाता है, ऑर्थो पोजिशन पे Cl, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन कि इसमें आपने करवाई रिएक्शन किसके साथ, HBr, और उसके साथ करवाया आपने हीटिंग। हीटिंग कंडीशन में देखते हैं कि इसमें जो OCSE वाला ग्रुप है उससे क्या बनेगा, H+Br-, ठीक है। तो H+ किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस O-, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इस H+ के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, तो फाइनली इसमें बनता है फिनॉलिक ग्रुप। और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे आपको Cl दिया हुआ है, और Me3C मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल जो कार्बोकैटायन है वो जुड़ा हुआ है, तो फाइनली प्रोडक्ट जो इसमें बनना चाहिए वो क्या होगा, CH3Br प्लस फिनॉलिक ग्रुप का जो डेरिवेटिव है ये बनेगा। इसका सही ऑप्शन आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी।